वेलकम टू अग्रम डेयरी फार्म चैनल। हमें यार मिस्टर निजाम गोट फार्म पर, और यहाँ पर हमेशा की तरह आप लोग मल्टीपल कलेक्शन देखने वाले हैं, यानी बनूर भी है, दूसरे मेंढे भी है, काफ़ी सारे बकरियाँ भी है। तो इन सब की डिटेल हम बात करेंगे मेट्रो रियल एस्टेट के ओनर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उमर भाई। खैरियत से निजाम? अल्हम्दुलिल्लाह उमर भाई, माशाल्लाह काफी एक्टिव रह रहे हैं आप मेट्रो रियल एस्टेट पर, और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी बहुत शानदार चल रहा है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, काफी लोगों के काम बन जा रहे हैं, अल्लाह का करम है। बहुत सारे लोग करेंगे, अल्लाह की वजह से मूवमेंट भी अच्छा है चैनल पे। जी, मेट्रो रियल एस्टेट हैदराबाद के नाम से चैनल है उमर भाई, जिसपे डेली प्रॉपर्टीज बिकने के आते हैं। जैसा आपका काम इस तरह का है जानवरों का, मेरा घरों का है, मैं फीस लेके वीडियोस बनाता हूँ। चैनल भी चल रहा है जी, मिस्टर निजाम गुड फार्म। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शाम के टाइम उसी पे रहते भाई, वो जानवरों से मोहब्बत खत्म नहीं होगी इंशाल्लाह, और लोगों की मोहब्बत है उमर भाई। अपन छोड़ भी दिए, लेकिन लोगों का जानवर लाना कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। एनी टाइम 100 जानवर के ऊपर रहते अपने पास कभी भी, माशाल्लाह जी। हैदराबादी में भी है, मल्टीब्रीड भी है, टेकर से आप नहीं भी रहे तो मेंटेन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा स्टाफ है हमारा जी। तो ये वाला जो बनूर है आपके पास, मेल है या फीमेल है? ये एक फीमेल है, दो मेला है उमर भाई, ये हमारा भाई बोल के बल्लाउड़े से भेजे, ये फीमेल है। अच्छा, ये दो दांत के करीब है उमर भाई, और ये सिंगा वाले है, और यहाँ सेट हुए सोए काफी टाइम से। अच्छा जी, वो ये सिंग वाला मेल है और वहाँ पर भी एक सिंग वाला मेल जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो ये दो दांत पे है, और ये वाले नहीं, दाता लगाए नहीं, लगाए नहीं देखा उमर भाई, लेकिन ये ब्रीडिंग के काबिल है उमर भाई। अभी मेटिंग हो गई इसकी, शायद हो गई, उनकी साथ में रह रहे, बहुत भागम भाग चल रही। अच्छा, इसके भी सिंग देखिए अच्छे है, ये भी अदन दूंगा अभी फिर जी अल्हम्दुलिल्लाह। सिंग तो छोटे ही है, इसके भी धारी वाली सिंग भी है, लेकिन ये हैवी है उमर भाई, बच्चे नहीं है ये। बड़े साइज के, यानी छोटे बच्चे जो आ रहे हैं वो नहीं है, अच्छे बड़े सेट हुए हुए। क्या रेंज रहने वाला है ये? मादी 14,000 बता रहे हैं, ये 15,000 बता रहे हैं। 14,000 में फीमेल और 15 में मेल जी। और ये वाला, ये देखिए दो दांत लगा रहा सो करीब। अच्छा, उसका कंप्लीट कर लेंगे। ये 16,000 बोल रहे हैं उमर भाई, बिल्कुल भालू है ये। अच्छा, आप भी देखें किस तरह कुदरत का निजाम है, देखिए आप खूबसूरती अल्लाह की निकले हुए जी। ये क्या, 16,000? 16,000 बता, सभी में नेगोशिएबल रहेंगे, करा देंगे उमर भाई थोड़ा। ठीक है, ये वाला, ये तो आप बोलना, गुंटूरी आएगा ना जी? दो दांत पे आ रहा उमर भाई, करीब दो दांत पे, अभी नहीं लगाया लेकिन आ जाएगा। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। साढ़े पूरी मार्बल है, खुर भी मार्बल है। इसके वजन, वजन आप बोलना, 30-35 किलो तो आएंगे ना, 30 किलो तो आएंगे जिसके आसपास आ जाएंगे जी। और क्या प्राइस है इसका? ये 14,500 में दे देंगे। 14,500 आसिंग प्राइस, नेगोशिएबल है ना इसमें? थोड़ा बहुत रहेगा उमर भाई, पूरे वीडियोस में ये रहेगा कि ज़्यादा मेरे पास फर्क नहीं होता, लोगों की अमानत होते, जितना हुआ मैं मिनिमम ही दलाता हूँ जी। एक टॉप क्वालिटी में यहाँ बरबरा है, वो बतलाऊँगा मैं उससे पहले। ये यहाँ से हैदराबादी स्टार्ट, हैदराबादी स्टार्ट है उमर भाई, थोड़े चांस में भी रहेंगे क्योंकि कुछ लोग फार्म पे पाल रहे थे जहाँ काम वाले जिम्मेदार थे जी, उन लोगों को भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन कंडीशन डाउन है थोड़े, इस वजह से रिटर्न भी कम रहे जी। अच्छा, जानवर जी खिलाने के लिए पीछे नहीं थे, लेकिन जो देख रेख कर रहे हैं वो भी थोड़े समझदार होना पड़ता है जानवर की जगह। व्हाइट आईज, अब्लग कलर के अंदर, दो दांत पे आ रहा हूँ, दो दांत पे, 18,000 में दे देंगे। 16 इंच कान तो रहेंगे उमर भाई, 16 इंच, लेकिन तेज ब्रीडर है अपने पास, चल रही क्रॉसिंग। अच्छा जी, ब्रीडिंग भी चल रही जो 16 इंच लंबा, एक 7.5-6 इंच आएंगे उमर भाई, देखिए 6 इंच पकड़ के चले, 6 इंच ही समझ, 18,000 में दे देंगे दो दांत पे, 18,000 में मिल जाएंगे। और ये बकरी ब्रीडिंग को आई है वो? अच्छा, और ये ब्रीडर आपका काफी शानदार, माशाल्लाह जो आगरा में शौक करते हैं उनके लिए बहुत प्यारी चीज है उमर भाई जी। जी बिल्कुल, काफी दिनों बाद ऐसे कलर में ऐसे और ऐसे सिक्के एकदम खड़े कान, कितने दांत पे? दो पिंजरों का खातिल है, उन्हें दो पिंजरे तोड़ दिया आपने, और व्हाइट आईज भी है, व्हाइट आईज भी है, सिंह काफी प्यारे उमर भाई। कितने दांत पे बोले? ये 8 दांत पे आ रहा हूँ, 8 दांत, ये 8 दांत पे चलिए। लेकिन अभी जवान है बकरा। नहीं नहीं, बहुत ब्रीडिंग भी देखी अपन कराए अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक है अपने पास कोई लाना है। अच्छा, तो देखिए ये कान झुका हुआ नहीं है, ये सिंह को मार लगने से हुआ, ये जाली को मार रहा हूँ उमर भाई, बोला ना आपको मैं, देखिए ऐसा तो जाली को मारा तो कान बीच में आ गया बिल्कुल। क्या प्राइस है इसका? ये 28 में बोल रहे हैं, 28,000 आसिंग प्राइस, नेगोशिएबल है इसमें, थोड़ा बहुत रहेगा उमर भाई, ज्यादा किसी में भी नहीं रहेगा, लेकिन बहुत शानदार क्वालिटी है। इसके बाद में आपके पास ये बकरी, ये कंडीशन डॉन में बकरी उमर भाई, बहुत अच्छे रेट में लिए से है हमारे जी। कान का साइज, कान का साइज मैं मापा तो नहीं उमर भाई, लेकिन एक उम्मीद 17 इंच की तो कर सकते हैं आप जी। 17.6 6.5 आएंगे उमर भाई, देखिए आप ठीक है। और वाइट आईज है, खुली अबलग के दांत पे, ये 8 दांत पे आ गए होंगे उमर भाई, खाली है उमर भाई। क्या प्राइस है इसका? ये बिल्कुल चांस पे दे देंगे उमर भाई, 22,000 में दे देंगे, 22,000 में जी बिल्कुल ठीक है। और ये बच्चा, ये बच्चा मार्चा इसका है, गुंटूर का है, इसकी बाला चले आ रहा उमर भाई, बिल्कुल चांस पे दे देंगे, फिक्स पे 4.5 में दे देंगे, 4.5 में। स्किन इन्फेक्शन है, कम हो जाता है देखे। और आने वाले सैटरडे PPR का वैक्सीनेशन कैंप है अग्रम डेयरी फार्म पेट्स क्लिनिक पर, जो नहीं करवाए वो करवा लीजिए। ये मार्चाला, ये मार्चाला बहुत सेट हो गया उमर भैया, 9,500 रुपये में दे देंगे, वजन के हिसाब से
28 किलो तो 25 से 28 किलो के बीच में तो आएगा लाइव वेट। 25 से 28 जी बहुत हैवी उमर भाई। खैर जो है ये है उमर भाई। ठीक 9,500 में स्पॉटिंग वगैरह अच्छी है, 9,500 में ये वाला मिल जाएगा जी। इसके बाद ये एक बच्चा है आपके पास जी, क्या है कितने महीने का है ये एग्जैक्ट तो नहीं मालूम उमर भाई, अपने बाद आके 2 घंटे 1 घंटे का हुआ। अच्छा 1 घंटे का लेकिन गोल है माशाल्लाह, गोल है अल्हम्दुलिल्लाह। दो दावत के लिए भी अच्छा है या कोई ब्रीडिंग पर्पस पे भी रख लेंगे तो अच्छा है। क्या प्राइस है ये? राजस्थानी ब्रीड है, 7,500 रुपये बोल रहे हैं उमर भाई, थोड़ा बहुत कम दे देंगे। ठीक है। और एक ये सेट वेस हो, यहाँ पर कोई बाजार वगैरह की नहीं है, डायरेक्ट सोजत बच्चा है, ये सोजत वो है उसके खजूरी कांटा, लेकिन बहुत गोश्त में आएंगे उमर भाई, तैयार है। अच्छा जी। और ये माशाल्लाह, ये माशाल्लाह भी 7,500 में दे देंगे, 7,500 में मिल जाएंगे। और क्या है आपके पास? इंशाल्लाह हैदराबादियों में बकरे हैं उमर भाई जी, अगर ब्रीडर्स हैं, ब्रीडर्स भी है, सेल पे भी है, बता देंगे। चलिए नेक्स्ट में आपके पास देसी बकरियों का भी कलेक्शन है या लॉट है? जी अल्हम्दुलिल्लाह उमर भाई, कोई आए तो बता देंगे। अच्छा कितने हैं ये लॉट में? ये 8 जानवर है, 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा यहाँ कौन सी है? 8 उधर साइड है, बता देंगे कोई आए तो। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पर ये ब्रीडर बकरा, ये पूरे बेचने के भी उमर भाई, ब्रीडिंग पर्पस पे भी, अगर किसी के भी बकरे हैं तो लाके छोड़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अपन वेट रख के करके ब्रीडिंग करा के देंगे। क्या साइज है कान का? ये 20-8 आएंगे उमर भाई, 20 इंच लंबा। जी जाफरान ब्रीड लाइन से बोल के आया हुआ है, 75,000 बोल रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड है डायरेक्ट ओनर से बात करा देंगे, अर्जेंट सेल पे। अच्छा 8 दांत पे है, 20 इंच लंबा, 8 इंच चकला जो, और पोस्टसीजन वाइट बच्चे बनाया से जो ओनर है उनका फोटोज मिल जाएंगे। 75,000 ये नासी भी है देने का उमर भाई, ये भी अच्छे कानों में, देखिए आप पूरा एकदम कंप्लीट नासी है, सर पे चंदा है हल्का सा। इसके कान का साइज इसका भी आ जाएगा 18-8 18 इंच चकला जो। और ये वाला ये भी देने का है उमर भाई। कान का साइज क्या है इसका? कान का साइज देखिए, मापा तो नहीं उमर भाई, बहुत गर्म, लेकिन हाथ को माप देंगे वही बोल के नहीं माप रहा हूँ। हाइट वगैरह अच्छी है? हाँ जी हाइट वगैरह अच्छी है, ब्रीडिंग पर्पस पे भी है, कोई इंटरेस्टेड है तो भी बात कर ले। अच्छा एक अंदाजा क्या होंगे कान का साइज? कान 16 तो आना चाहिए उमर भाई, 17-16 जो। ठीक। और 17 के बाद ये ब्रीडर ही है अपना जी। जी ये पूरा गुलाबी जो और एकदम खुला अलग है, देखिए सिर्फ पैरों पे पैचेस है, बाकी ऊपर अच्छी क्वालिटी में, बहुत प्यारे बच्चे बना रहा हूँ उमर भाई, ब्रीडिंग पर्पस पे मेन अपने पास जी। क्या तो साइज है कान का इसका? कान कम है उमर में लेकिन बच्चे अच्छे बन रहे, 16-8 उनके कान, 16-7.5। अच्छा जी, लेकिन खास बच्चे जो माहौल चल रहा है वो बच्चे बन रहे हैं। और इसके अलावा ये एक अजमेरा बकरा है उमर में, ये मुंडा है, कितने महीने का अजंत है ये? 2 दांत लगा रहा हूँ उमर भाई। क्या प्राइस है इसका? ये 9,500 में दे देंगे उमर भाई, गोश्त वगैरह में भी अच्छा है, कोई ब्रीडिंग पर्पस पे रख रहे हैं तो अच्छा है। ये कोटा वोटा भाई आए थे अपने पास बिकने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा कंडीशन और डाउन थे, अपन उठा के दे दिए भाई, रख लेने की ख्वाहिश करने तो नहीं बेच रहे। अच्छा जी, ये भाई बिकने के लिए आए थे, बेचने के लिए आए थे भाई? बेचने के लिए आए थे भाई। ठीक है, लेकिन माशाल्लाह अच्छा करे आते यार जी। और ये भी उन्हीं का है? उन्हीं का है। तो अभी आपके पास ट्रांसपोर्ट वगैरह सब अवेलेबल है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं उमर भाई, तो जुड़े हुए लोग हैं ट्रांसपोर्ट के। अपन डायरेक्ट सर्विसेज है आपके पास कई की उम्र में, यानी यहाँ पर लाके सेल भी कर सकते हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वो तो वही चलता 5-6 साल से जब से देख रहे हैं आप जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना खरीदा हुआ कुछ भी नहीं उम्र भाई, जितना है लोगों की अमानत है, अपना काम है रोज बेच के देना, रोज जानवर आता, मेरे खुद के चैनल पे भी बिक जाता डेली, आपको डेली तो तकलीफ नहीं दे सकते बराबर। तो मिस्टर निजाम गोट फार्म के नाम से चैनल है जिसपे डेली वीडियोस रहते हैं अपडेट, खुशन शाम में आते हैं उमर भाई वीडियोस मेरे। ओके तो किसी के भी जानवर है तो लाके छोड़ सकते हैं, अपना काम है बेच के देना, जो भी चार्जेस वगैरह रहते हैं हम बता देते हैं, अगर वो लाने में मुश्किल हो रही तो हमारा स्टाफ रहता है ट्रांसपोर्ट है जाके ला लेते, जो भी चार्जेस है बोल देते हैं। अच्छा वो सर्विस भी है जी, और खुशन बकरे यहाँ जो है अपने पास 8 से 10 बकरे नीचे भी है, पूरे तो नहीं देखे अपना, तो इनशाला वो चीज़ भी है, इनशाला 8 दिन 10 दिन रोक के भी अगर क्रॉस करा के देना है तो वो भी होता है। ओके चलिए इंशाल्लाह, आप लोग डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन के नंबर पर कॉल कर लीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।